नोएडा में रविवार को एक नेपाली नौकर ने पूरे परिवार को बेहोश कर दिया। अपने साथी के साथ मिलकर घर में रखा नकदी और जेवर समेटकर भागने ही वाला था कि सोसाइटी के लोगों को खबर हो गई और उसे पकड़ लिया गया। हालांकि इस दौरान आपाधापी का फायदा उठाकर उसका दोस्त भागने में सफल रहा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर उसके साथी की तलाश शुरू कर दी। ये मामला नोएडा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 107 स्थित सनबर्ड वनालिका सोसाइटी का है। एसीपी नोएडा प्रथम रजनीश वर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसके साथी के बारे में पूछताछ की गई है। वहीं उसकी निशानदेही पर फरार आरोपी की तलाश में दबिश तेज कर दी है। आज शाम को एक पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें पिंडी जो सनोट सोसाइटी में रहती है उनके घर पे एक नौकर रहता था जो पिछले 4 साल से उस घर में रहता था जो नेपाल का रहने वाला था और 8 दिनों से इसका एक दोस्त जो नौकर के साथ उसी घर में रह रहा था। आज शाम के समय इन दोनों ने सूप में एक नशीला पदार्थ मिला के पूरी फैमिली के लोगों को पिलाया और उसमें से जितने भी लोग थे वो सभी बेहोश हो गए और ये इन्होंने सभी घर का सामान चोरी करके ले जा रहे थे।